हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। आज है 13 नवंबर 2018, जो कि करंट अफेयर्स हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली के रूप में होगा। दोस्तों, इसकी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे careerdeskacademy.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आइए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, कौन सी आपात स्थितियों में निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा है? जी हाँ, यह ध्यान दें दोस्तों, रासायनिक जैविक रेडियो धर्मिता परमाणु CBN RN पदार्थों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए यह जो है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा है। वह कौन कर रहा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जी हाँ, तो इसके सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बेंगलोर के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जी हाँ, यह क्वेश्चन बन के निकल के आता है कि कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह बेंगलोर में है। और जो यह प्रशिक्षण दे रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वो 12-17 नवंबर 2018 तक चलेगा, यानी यह 6 दिवसीय कार्यक्रम है। दोस्तों, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो यह दिवस से संबंधित है। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जी हाँ, यह राष्ट्रीय दिवस है हमारे भारत का, जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है, लोक सेवा प्रसारण दिवस। और यह इसका मनाने का मुख्य कारण क्या है कि जो हमारे महात्मा गांधी हैं, यानी गांधी अप्पा हैं, वो नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के स्टूडियो में गए थे, यानी वहाँ पर गए थे। और वो तारीख थी 12 नवंबर, जो है वो 1947। दोस्तों, तो उसी के जो है वो मनाया जाता है, उन्हीं के उपलक्ष्य मनाया जाता है कि हमारे जो है वो महात्मा गांधी इस स्टूडियो में गए थे, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था। चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में किसे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग, जी हाँ, CCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से संबंधित यह क्वेश्चन है। अशोक कुमार गुप्ता बनाए गए हैं हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। 9 नवंबर 2018 को बनाए गए हैं। और जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, वह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित अर्ध न्यायिक एक संवैधानिक निकाय है भारत की। और इसे 2003 में स्थापित किया गया था, और इसने मई 2009 में पूरी तरह से काम करना प्रारंभ किया था। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बात करें हम, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने चीन ओपन 2018 का खिताब जीता है? खेल से संबंधित यह क्वेश्चन है। और ये केंटो मोमोटा, जी हाँ, केंटो मोमोटा नाम ही कुछ ऐसा है। और ये जो है विश्व चैंपियन केंटो मोमोटा ने, यह जापानी खिलाड़ी हैं, तो आपको इससे जो है वो ध्यान रख सकते हैं इसे, क्योंकि आपको काम आने वाले हैं केंटो मोमोटा, ध्यान दें दोस्तों। और इन्होंने 11 नवंबर 2018 को बैडमिंटन फुजोई चीन ओपन खिताब जीत लिया है, वो भी बैडमिंटन का खिताब। और इन्होंने ताइवान के जो है वो चौथी वरीयता प्राप्त चाउ टी इन चैन को हरा दिया है। इस वजह से यह है जो है इसका जो चीन ओपन 2018, इसका फुल नाम है फुजोई चीन ओपन खिताब 2018। तो आपको दो खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में प्रकाशित योगा एंड माइंडफुलनेस, जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसके बारे में जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। योगा से संबंधित है, इसमें योगा सिखाने की विधियां और कई सारी चीज़ें दी गई हैं। मानसी गुलाटी, जी हाँ, श्रीमती जो है वो मानसी गुलाटी, तो ध्यान रखें। अभी हाल ही में आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर किस देश ने भारत के साथ समझौते हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेशनल क्वेश्चन है यह। और मोरक्को एक देश है, मोरक्को, उसके साथ भारत ने आपसी जो आंतरिक मामले होते हैं, यानी आपराधिक मामले होते हैं, उसकी आपसी कानून का आदान प्रदान करेंगे ये दोनों देश। और यह जो समझौता हुआ है वो 12 नवंबर 2018 को हुआ है। विश्व आर्थिक मंच, जी हाँ, यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है। इसकी जो है ग्लोबल फ्यूचर काउंसलिंग की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक आयोजन 11 नवंबर 2018 को कहां पर शुरू हुई?
जी हाँ, तो यह 11 दो दिवसीय है, तो यह 11 नवंबर को शुरू हुई और 12 नवंबर को खत्म हो गई होगी दोस्तों, यानी कल के दिन हो गई है। उसके बाद यह जो कहाँ पे शुरू हुई है, यह दुबई में हुई है, दुबई। जी हाँ, बस इतना ही काफी है। इसमें कब हुई है, कहाँ हुई है, जो भी इंटरनेशनल होते हैं ज्यादा से ज्यादा इसका स्लोगन जरूर पूछ लेते हैं, तो लेकिन हम अभी इसमें दो ही चीजें शामिल की हैं इसमें, और यह है राज्य प्रदेश से आपका क्वेश्चन, गोवा राज्य ने कब से प्रभावी मछली आयात पर 6 महीने के प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, ये जो गोवा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि अभी बीमार चल रहे हैं, और 12 नवंबर 2018 को प्रतिबंध लगा दिया है, और तो यह प्रतिबंध लगाया है वो गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने लगाया है, वो भी 12 नवंबर 2018 को। इससे पहले 15 दिन का प्रतिबंध लगाया गया था जो कि जुलाई 2018 में लगाया था, इसके बाद यह दूसरा प्रतिबंध है। अभी हाल ही में TN श्रीनिवासन का निधन हो गया। वह कौन थे? जी हाँ, वह एक प्रतिष्ठित कौन थे, ये अर्थशास्त्री थे। जी हाँ, और इन्हें अर्थशास्त्र के विकास के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा 1977 से 1980 तक वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के स्पेशल एडवाइजर भी रह चुके हैं। ये तो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित है तो वो मैंने बता दी आपको। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ सिंगापुर में फिनटेक सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ? जी हाँ, आसियान शिखर भी स्टार्ट हो चुका है सिंगापुर में, और फिनटेक सम्मेलन का भी जो है वो प्रारंभ हुआ है। ये 12 फिनटेक की बात कर रहे हैं हम, फिनटेक सम्मेलन, ना कि आसियान शिखर। ये आसियान शिखर साथ सम्मेलन के साथ ही शुरू हुआ है, लेकिन आसियान शिखर सम्मेलन 11 नवंबर 2018 को शुरू हुआ है, और फिनटेक सम्मेलन 12 नवंबर 2018 को शुरू हुआ है। और यह जो आसियान का शिखर सम्मेलन है वो 11 नवंबर को शुरू होकर जो है वो 33वां संस्करण शुरू हुआ है, और यहाँ की जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस शिखर सम्मेलन की वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग, जी हाँ, इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वहाँ पर ये जाने वाले हैं 14 और 15 नवंबर को, और वहाँ पे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान की संबंधित बैठक में भाग लेंगे। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अभी हाल ही में वेबसाइट, जी हाँ, एक वेबसाइट https://eci.gov.in लॉन्च हुई है, या किसके द्वारा लॉन्च हुई है? तो अभी 5 राज्यों में जो वो चुनाव का माहौल चल रहा है, निर्वाचन आयोग ने, भारत सरकार ने यह नई वेबसाइट लॉन्च की है, थोड़ी इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती हैं, और यह 12 नवंबर 2018 को अपनी वेबसाइट नई शुरू की भारत निर्वाचन, हम भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं श्री OP रावत। दोस्तों आज जो 12 नवंबर 2018 का क्वेश्चन था उसका हम इसका आंसर देख रहे हैं कि अभी हाल ही में पूछा गया था कि अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ने सख्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना लॉन्च की है, इसका सही आंसर था हमारा अरुणाचल प्रदेश ने। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश ने। दोस्तों देखते हैं हम आज का 13 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वह देखते हैं कि आपको बताना है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जो है वो रेलवे परीक्षा में पूछा गया है, इसका आंसर आप बताएं दोस्तों। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इसे शेयर जरूर किया कर दिया करें दोस्तों, और इसके जो अभी हमारे 16 अक्टूबर से हमारे 11 नवंबर तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हम डेली करंट अफेयर्स के, तो इसके अपलोड हम 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का एक वीडियो बना देंगे जो कि 16 दिन का होगा, और 1 नवंबर से 11 नवंबर का वीडियो बना देंगे पूरा का पूरा जो कि वो 11 दिन का होगा। इससे आपको जो है वो 1 अक्टूबर से हमारी करंट अफेयर्स चालू हुई थी वह छूटी और बीच में मिस ऑर्डर नहीं मानी जाएगी दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।